WHO ने दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन रखा है। WHO ने इसे बेहद संक्रामक बताया और संस्था के तकनीकी सलाहकार समूह ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार देने की सलाह दी है। ग्राफिक्स इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उनके जरिए समझिए कि देखिए कितना खतरनाक ये रूप है कोरोना का। दक्षिण अफ्रीका में 12% की बढ़ोतरी अब तक केसों में हो चुकी है और देखिए लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। दुनिया में जो कोरोना का नया वेरिएंट सामने आ रहा है बेहद खतरनाक, ऐसे बताया जा रहा है। बोत्सवाना, हांगकांग में भी नया वेरिएंट मिला है कोरोना का, तो बेहद खतरनाक है कोरोना का ये सबसे जो नया रूप सामने आया है। दक्षिण अफ्रीका में 22 केस सामने आए हैं। इसराइल की बात कर लिया जाए तो वहां पर भी स्थिति फिलहाल भयावह बनी हुई है। दक्षिण अफ्रीका में मिला है नया कोविड वेरिएंट, नया वेरिएंट मल्टीपल तरीके से अपना रूप बदलता है और इसका जो नाम है B.1.1.529 और देखिए दक्षिण अफ्रीका में नए केसों में 12% की बढ़ोतरी अब तक हो चुकी है। तो एक तरफ सीएम अशोक गहलोत भी मंथन करेंगे, शाम 4 बजे बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैठक बुलाई है 10:30 बजे। तो कोरोना का ये जो नया वेरिएंट सामने आया है बेहद खतरनाक, इसे बताया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में 22 मामले सामने आ चुके हैं, तो ना केवल राजस्थान बल्कि हिंदुस्तान और बल्कि पूरी दुनिया में आप देखिए ये जो नया वेरिएंट सामने आया है बेहद खतरनाक है। इसका नाम है B.1.1.529। बढ़ते आगे